और भगवान के शुक्राने हैं। एक दृष्टांत है, राजस्थान के ऊपर मालिया एक जगह है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त रहते थे, नाम था राम सिंह। उनकी दवाइयों की दुकान थी। दुकान में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर एक कोने में लगी थी। जब ये दुकान खोलते, साफ सफाई वगैरह करते, तो अपने हाथ वगैरह धोकर भगवान की तस्वीर को साफ करते और धूप बत्ती इत्यादि लगा देते। उनके एक पुत्र था राकेश, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके साथ दुकान पे बैठता था। अब लड़के तो फिर देखिए थोड़ा कम मानते इन बातों को, तो अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता, और क्योंकि नए ज़माने का था, पढ़ा लिखा, तो पिता को कहता कि ये कुछ नहीं होती ये सब बातें, भगवान वगैरह ये सब मन के बहलावे हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, ऐसा कहते हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि सूर्य चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो ऐसे कहकर विज्ञान की बातें बताकर पिता को समझाता कि हमारा कर्म ही सब कुछ होता है भगवान को, ऐसे करके पिता प्रेम से देखते उसकी तरफ, मुस्कुरा के रह जाते, क्या समझाते। समय बीता, पिता बूढ़े होते गए, और जब उन्हें लगा कि अब लड़के को कुछ शिक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भगवान को मानो मत मानो, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे, तुम एक मेहनती दयालु अच्छे इंसान हो, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बात मेरी मैं कहना चाहता हूँ, उसे कभी जीवन में जरूरत आए तो मानना। बेटा कहता ठीक है, बताइए। पिता कहता है कि बेटा मेरे जाने के बाद तुम दुकान में रोज भगवान की तस्वीर को साफ करना, धूप बत्ती लगाना, मेरे कहने से, मानो मत मानो कोई बात नहीं, तुम ये काम कर देना, और अगर कभी परेशानी में फंस जाओ किसी भी, तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से अपनी समस्या को कहना, बस मेरा इतना कहना मान लो। बेटा कहता ठीक है। समय बीतता गया, पिताजी नहीं रहे। एक दिन की बात है, देर शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, बहुत तेज बारिश पूरे दिन पड़ रही थी, ग्राहकी भी नहीं हुई थी, कोई आया भी नहीं दवा वगैरह लेने, एक आध कोई कस्टमर आया बस। तो राकेश दिन भर दुकान में बैठा रहा, ऊपर से बिजली भी बार बार आ रही थी, जा रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और बोला भैया ये दवाई चाहिए, पर्चा दिया, मेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच पिला दो, माँ बच जाएगी, क्या ये दवाई आपके पास है। तो राकेश पर्चा देखकर कहता हाँ हाँ है, और जल्दी से एक शीशी उठा करके लड़के को पकड़ा देता है। लड़का पैसे जो भी जैसे हो करके चला गया। जैसे ही लड़का बाहर निकला, बत्ती उस समय होता ना वोल्टेज कम ज़्यादा, तो वोल्टेज थोड़ा तेज हुआ, तो राकेश दिखता है कि यहाँ, अरे अभी मैंने एक कस्टमर कुछ चूहे मारने की दवा ले गया था, 2 मांग रहा था, फिर एक ही शीशी ले गया, एक शीशी उठा के मैंने जल्दी में रख दी कि बाद में इसको जगह पर रख दूँगा, और वही शीशी उठा करके मैंने इसको दे दी है, क्योंकि यहीं पर दूसरी दवा भी रखी थी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, होता है कभी जीवन में।
हम सब लोग याद करें, गलतियां हमसे भी होती, और ये ऐसी गलती होती है जो तो हमारी इच्छा नहीं है, गलती हो गई, दुख उसी के कारण फिर आते हैं, पसीने के मारे बुरा हाल हो गया। अब लाइट के ऐसे कम आने की वजह से गलती से राकेश ने वो शीशी उठाकर, क्योंकि भाई रखी थी कि अभी जगह पर बाद में रख दूंगा, और जल्दी में दे दी। यानी ये जो लड़का दवाई लेने आया था वो अपनी दवा के बदले में चूहे मारने की दवा ले गया। अब जो माँ मर रही है उसको दे देगा। अब इसके मुंह से निकलता है, हे भगवान। सुनते रहते ना अपने घर में जब हम हे भगवान, तो समय आने पर हमारे मुंह से भी निकलता है, हे भगवान ये तो अनर्थ हो गया। तभी उसे अपने पिता की बात याद आई और तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे आप हैं, और यदि आप सचमुच हैं तो आज ही अनहोनी होने से बचा लीजिए। एक माँ को अपने बेटे के द्वारा जहर मत दिलवाना प्रभु, और मैं बीच में कर्ता बन गया, हे प्रभु, हे प्रभु। और वो जोर जोर से रोने लगा। तभी पीछे से आवाज आती है, भैया भैया बाहर थोड़ा दूर जाकर ही कीचड़ में मैं फिसल गया, दवा की शीशी टूट गई। कृपया आप एक दूसरी शीशी दे दीजिए। भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर राकेश रोए जा रहा था। आज उसके भीतर एक विश्वास जग गया कि भगवान हैं जो सृष्टि को चला रहे। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं। प्रेम हो, भक्ति हो, होनहार जो भी हो रही है वो तो हो ही रही है, हम चाहें न चाहें, सुख और दुख जीवन में आते और जाते हैं। लेकिन अनहोनी कहते ना, अनहोनी जब वो हो जाती है तब बड़ा भारी दुख होता है। ऐसे तो जीवन में सब चल ही रहा है, बीमारी है, बुढ़ापा है, परेशानियां हैं, तकलीफ है,